अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैशे मेमोरी टेक्निक्स का सबसे पहला लेक्चर, कैशे मेमोरी टेक्निक में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस तरह से करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए कैशे बहुत लिमिटेड साइज है। अभी हमने बात भी की थी लास्ट टाइम कि हम मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी को चेक करेंगे कि किस तरह से मेन मेमोरी का जो डेटा है वो कौन सा डेटा कैशे मेमोरी में आएगा, कब आएगा। लेट सपोज मेन मेमोरी हमारे पास है, मेन मेमोरी का साइज जो है वो है 64 किलोबाइट। ठीक है, 64 बाइट कह लेते हैं, किलोबाइट बड़ा हो जाएगा बाइट्स का। और कैशे मेमोरी का साइज हम अभी डिफाइन करते हैं, ये हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का जो पहला साइज होगा वो जो है वो बाइट नंबर, बाइट बाय बाइट चलेगी, बाइट नंबर 0। ठीक है, और 0 से लेके ये होगा हमारे पास 64 यानी 63 तक। बाइट 63 तक आ गया। अगर मैं इसको करूं कि डेसिमल टू बाइनरी, लेट सपोज इसको करता हूँ और इसको 6 बिट्स में करता हूँ, लेट सपोज हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी का फार्मूला यूज़ करेंगे हम और इसको बता देंगे कि भाई ये डेसिमल वैल्यू है मेरी, इसको 6 बिट की बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया इसने कन्वर्ट। जब ये कर दिया तो हम इसको भी ये पूरी बाइनरी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 अप टू ऑल वंस तक ये आ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब ये कैश मेमोरी, ये मेन मेमोरी मेरी, ठीक है, ये मेन मेमोरी मेरी यहाँ से चली है जनाब और ये पूरी मेमोरी मेरी ये बन गई। ठीक है, ये मैंने बना दी पूरी। ठीक है, और अगर मैं इसको लेट सपोज मैं ये कहता हूँ पूरी मेमोरी है ना, इसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 4 बाइट के ब्लॉक्स में कन्वर्ट ब्रेकअप कर दिया, के ब्लॉक साइज इसको कहा कि जो ब्लॉक साइज है वो क्या है 4 बाइट्स। ठीक है, यानी 4 बाइट्स का एक ब्लॉक है, तो ये 4 बाइट का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ब्लॉक होगा 4 बाइट का। ठीक है, तो ये 4 बाइट का ब्लॉक चलता चला जाएगा और मैं इसको अगर मैं फॉर्मेट कर दूँ, सारे फॉर्मेट हो गए, तो ये मेरे पास पहला ब्लॉक आया। अच्छा, और करें पहला ब्लॉक जो है उसमें कितनी बाइट्स हैं, बाइट 0, 1, 2, 3 4 बाइट्स हैं। तो उसका अगर मैं एड्रेस देखूं, क्योंकि 64 बाइट्स के लिए मेरा एड्रेस जो है वो कंप्लीट 6 बिट का होगा, यानी इसके लिए एड्रेस लाइंस कितनी है 6 बिट्स। तो अभी बना लेते हैं हम 6 बिट्स, बना लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम B0, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, और इसको मैं ठीक है इसको सेंटर में लाइन भी कर देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि 4 ब्लॉक्स, 4 बाइट का एक ब्लॉक है, तो कितने ब्लॉक्स होंगे, 16 ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि 64 डिवाइडेड बाय 16। तो ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे भाई हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास होंगे 64 डिवाइडेड बाय 4,
दैट कम्स आउट टू बी 16, 16 होंगे। तो 16 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 16 ब्लॉक्स के अंदर चार बाइट हैं, हर ब्लॉक के अंदर चार बाइट, ठीक है। 16 ब्लॉक के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर चार बाइट। तो 16 ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि हर ब्लॉक में मेरे पास बाइट 0, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, ब्लॉक 0, बाइट 0, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, ब्लॉक 1। इसका मतलब है मैं अपनी मेमोरी को, मेन मेमोरी को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ दो कैरेक्टर, दो हिस्सों में, कौन कौन से, ब्लॉक और बाइट, ब्लॉक और बाइट इन ईच ब्लॉक। तो ये देखें, बाइट इन ईच ब्लॉक कितनी, चार। तो चार के लिए मेरे पास कितनी बिट्स चाहिए होंगी, दो। मैं इसको येलो में हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है, ऊपर लिखा हूँ, ये जो है मेरे पास बाइट नंबर है, बाइट नंबर, यानी बाइट नंबर 0 तो 00 हो जाएगा, बाइट नंबर 1 तो 01 हो जाएगा, इस तरह से। और ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है, ब्लू भी देता हूँ, ग्रीन कलर। और इसको मैं कहता हूँ कि दैट इज माई ब्लॉक नंबर, ये मुझे ब्लॉक नंबर बता रहा है, ठीक है। ब्लॉक नंबर, अगर यहाँ पे 0000 हुए, चार जीरो लिखे हुए, तो ब्लॉक 0 है, ठीक। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक बाइट 7, बाइट 47 है। बाइट 47 कैसे लिखेंगे आप? बाइट 47 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखूँगा? बाइट 47 का मतलब है 32, ये क्या है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। बाइट 47 का मतलब 32 बिट ऑन हुई। अब कितनी, कौन सी बिट ऑन होगी, 15, है ना। तो 32 के बाद क्या मुझे 16 ऑन करनी है? नहीं, 16 नहीं ऑन करनी, बल्कि 32 के बाद मुझे 8 ऑन करनी पड़ेगी, ये 40 हो गए। 40 के बाद अगर मैं 4 ऑन करूँ, 44 हो गए। 44 के बाद मैं 2 ऑन करूँ, इसको ऑन करूँ तो 46 हो गया, और ये 47, ये मेरा 0, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर लाइन कर लूँ, ओके। नाउ अगर मैं गौर करूँ तो ये कौन सी बाय ब्लॉक है, ब्लॉक 13 और 11, ब्लॉक 11, ब्लॉक 11 की बाइट, आखिरी बाइट, ब्लॉक 11 बाइट नंबर 3, ब्लॉक नंबर 11 बाइट नंबर 3। चलते हैं ब्लॉक नंबर 11 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 है, 10 है, और ये 11 है। इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ये ब्लॉक मर्ज कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं ब्लॉक 0, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ तो इसका मतलब है ये ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 15, ठीक है। इनको सबको मैंने, ठीक, तो ये ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, ब्लॉक 11 था, ब्लॉक 11 बाइट नंबर 13 था। अब देखें ये बाइट 47, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ब्लॉक वाइज ब्रेक करूं तो ये स्ट्रक्चर हो गया ना मेरे पास, एक स्ट्रक्चर बन गया कि ब्लॉक नंबर और बाइट नंबर, ठीक है। इसको मैं कहता हूं, ब्लॉक नंबर को मैं डिनोट करता हूं एस, स्मॉल एस से, आपकी बुक स्मॉल एस से डिनोट कर रही है, इसको मैं बुक स्मॉल एस से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और बाइट नंबर को विलियम स्टॉलिंग की जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं वो डब्ल्यू से डिनोट कर रही है, स्मॉल डब्ल्यू से, उसको भी स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ एक हो गई। अगर मैं कहूँ 2 की पावर s, इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ ब्लॉक की बात करूँ, 2 की पावर 4 नंबर ऑफ ब्लॉक 16 है, ठीक है। 2 की पावर w, इसका मतलब है नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी ब्लॉक साइज की बात है, ठीक है। एक ब्लॉक में कितने
टू, डब्ल्यू की पावर अगर, डब्ल्यू की वैल्यू अगर टू है तो एक ब्लॉक में मेरे चार बाइट्स हैं। ये तो क्लियर हो गई, ये चीज़ से मेरी डिस्कस हो गई किसके हवाले से, मेन मेमोरी के हवाले। लेट सपोज मेरे पास कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी मेरे पास साइज क्या है, कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी की साइज है लेट सपोज 16 बाइट्स। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कैशे मेमोरी की बात करता हूँ ना, तो कैशे मेमोरी मेरे पास जो बनेगी वो ये रही 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बाइट्स बन गई। इसको मैं कर दूंगा, ठीक है, और ये मेरी कैशे, ठीक, 16 बाइट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बाइट्स हैं। अब मैं 16 बाइट्स को किस तरह एक्सेस करूँ, क्योंकि मैंने अपने मेन ब्लॉक मेमोरी को ब्लॉक वाइज ब्रेक किया, ब्लॉक मेरे पास एक ब्लॉक में चार बाइट्स हैं, इसी तरह से मैं अपनी यहाँ पे भी ब्लॉक साइज मैं मेंशन करूँगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि मेरे पास जो ब्लॉक कैशे में होते हैं उनको हम कहते हैं लाइन, तो मेरे पास ये लाइन होंगी, ये एक लाइन है, एक लाइन में चार ब्लॉक आएंगे, चार बाइट्स आएंगी, तो एक लाइन में चार बाइट्स आएंगे, यानी एक ब्लॉक में चार बाइट्स आई थी, यहाँ एक लाइन में चार बाइट्स आएंगे, तो मैंने लाइन इसको फिक्स कर, एक लाइन हो गई चार बाइट्स, दूसरी लाइन हो गई चार बाइट्स, तीसरी लाइन हो गई और चार बाइट्स, चौथी लाइन हो गई। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो लाइन साइज़ और ब्लॉक साइज़ है वो सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। हम ब्लॉक मेन मेमोरी के लिए रखते हैं, लाइन कैश मेमोरी के लिए रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लाइन साइज़ क्या है, लाइन साइज जो है वो 4 bytes ही है, एज सिमिलर टू द मेन मेमोरी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, वो होंगी 16, दैट इज द मेन ओवरऑल साइज, 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4, 4 लाइंस मेरे पास। अब इन 4 लाइंस में ये कितने ब्लॉक्स हैं, 16। तो जो मामलात हैं वो किसके हैं, 16 ब्लॉक्स किस तरह से 4 लाइंस में एडजस्ट होंगे, तो हम इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के, मतलब डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, सॉरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक। ये जो हम बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक। तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो पहला ब्लॉक होगा ना वो पहली लाइन में आ जाएगा, ठीक है, पहला ब्लॉक पहली लाइन, तो ब्लॉक नंबर 0 आ गया, ब्लॉक नंबर 0। दूसरी लाइन में ये मैं यहाँ लाइन भी लिख देता हूँ, ये लाइन है, लाइन 0 है और बाकी लाइन 1 है, और इसको मैं, ठीक है, लाइन 0 में ब्लॉक 0 आ गया, फिर उसके बाद लाइन 1 में ब्लॉक 1 आया, ठीक है, ब्लॉक नंबर, इसी तरीके से ब्लॉक नंबर 1 आ गया, इसी तरीके से ब्लॉक नंबर 2 लाइन नंबर 2 कवर करेगा, और ब्लॉक नंबर 3 लाइन नंबर 3 कवर करेगा, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 यहां रिसाइड करेंगे। अब ब्लॉक 4 कहां जाएगा, तो ब्लॉक 4 कहां जाएगा, लाइन नंबर 0, तो इसका मतलब है ब्लॉक नंबर 0
ब्लॉक नंबर फोर, ठीक है, ब्लॉक नंबर फाइव सिक्स सेवन, तो ब्लॉक नंबर एट वापस इधर आएगा और ब्लॉक नंबर ट्वेल्व, ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक नंबर वन फाइव नाइन और थर्टीन यहाँ पे आएंगे। इसी तरीके के ब्लॉक नंबर टू सिक्स टेन और फोर्टीन इधर आ जाएंगे लाइन टू में, और ब्लॉक नंबर थ्री के साथ ब्लॉक नंबर सेवन लाइन थ्री में आएगा, ब्लॉक नंबर इलेवन लाइन थ्री में आएगा, ब्लॉक नंबर फिफ्टीन लाइन थ्री में आएगा। तो ये ब्लॉक्स जो हैं वो इस तरह से मैनेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इसको मैं आपको बेहतर कर लूँ, सही, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का, अगर आपको याद हो, मॉड्यूलो चल रहा है, यानी मॉड्यूलो फोर यहाँ पे जा रहा है, कि मॉड्यूलो फोर का मतलब है कि ज़ीरो वन टू थ्री, थ्री ख़त्म हुआ, फिर रीस्टार्ट होगा, चार काउंट के बाद रीस्टार्ट होगा वापस, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, तो मुझे देखना है, चेक करना है कि लाइन नंबर कौन सी होगी, व्हाट लाइन नंबर अ ब्लॉक इज टू बी रिसाइडेड इन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ लाइन नंबर, और मॉड्यूलो चल रहा है, ठीक है, मॉड्यूलो किस हिसाब से चल रहा है वो देख लेते हैं। ब्लॉक नंबर, अगर मैं जे ब्लॉक नंबर को कहूँ, तो जे मॉड्यूलो एम, एम अगर मैं लाइन नंबर को कह रहा हूँ, ठीक है, लाइन नंबर को कह रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ लाइन, लाइन नंबर को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइन नंबर, लाइन नंबर को अगर मैं कहता हूँ आई, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू ये फॉर्मूला बन गया मेरा कि आई इक्वल टू जे मॉड्यूलो एम। तो जे का मतलब है ब्लॉक नंबर, तो ब्लॉक नंबर टू अगर मैं कहूँ वो कहाँ प्लेस होगा, एम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज दिस इज एम, एम बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। तो एम यहाँ पे फोर है, और जे मॉड्यूलो फोर का मतलब है कि ब्लॉक नंबर सिक्सटी, ब्लॉक नंबर फोर फाइव सिक्स, लेट्स सपोज सिक्स, तो ब्लॉक नंबर सिक्स कहाँ आएगा, मॉड्यूलो फोर। तो सिक्स मॉड्यूलो फोर क्या बताता है हमें, हम देख लेते हैं, सिक्स मॉड्यूलो फोर हमें क्या बताता है भाई, तो सिक्स मॉड्यूलो फोर, सॉरी व्यू कर लेते हैं, साइंटिफिक में ले जाते हैं, सिक्स मॉड्यूलो मॉड्यूलो फोर मॉड, तो हम सिक्स मॉड्यूलो फोर निकाल लें, सिक्स मॉड फोर तो टू आया, इसका मतलब लाइन नंबर टू में जाएगा ब्लॉक सिक्स, इज इट लाइन नंबर टू ब्लॉक सिक्स ये रखा हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ब्लॉक नंबर ट्वेल्व, ठीक, ब्लॉक 12 मॉड 4 ये ज़ीरो में आएगा, ब्लॉक 12 मॉड 4 ज़ीरो में आएगा, ये रहा ब्लॉक 12 लाइन नंबर ज़ीरो में आएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि लाइन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन नंबर में कौन सा ब्लॉक जाएगा। अगर मुझे पता हो नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन 4 है, तो एम इज़ टोटल नंबर ऑफ लाइंस, J इज द ब्लॉक साइज, ठीक है,
सॉरी ब्लॉक नंबर एम इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द कैशे और आई इज लाइन नंबर, ठीक है ये क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और हम यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं इसको कलर हाँ एक और चीज़ मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लॉक, ठीक है इसको मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ येलो, इसको मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लॉक टू का ग्रीन और इसको मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो ये जो है मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसको तमाम के अंदर, ठीक है ना ये होगा सारा। तो अब अगर मैं ये देखूँ कि ब्लॉक ज़ीरो तो ब्लॉक ज़ीरो ठीक है लाइन फोर ब्लॉक फोर लाइन ज़ीरो ठीक है तो और ब्लॉक एट और ब्लॉक ट्वेल्व लाइन ज़ीरो का कलर मैच हो रहा है तो ये कलर मैच हो गया, ठीक। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवीज़न की थी अगर मैं चाहूँ कि इसमें डिवीज़न करूँ तो देखें इसमें जो है ना 16 हैं, 16 का मतलब है हमारे पास कैशे लाइंस भी और मेन मेमोरी की लाइंस भी, मेन मेमोरी के ब्लॉक्स भी और मेन मेमोरी पूरी और कैशे मेमोरी तमाम के लिए एड्रेस क्या है सेम है, कितने बिट का 6 बिट का, ठीक है बी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और बी 5 तक जा रहा है। इसको मैं ये तो मेन मेमोरी के लिए था, कैशे मेमोरी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कैशे के लिए कैशे मेमोरी, ठीक है ये जो था वो मेन मेमोरी के लिए था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन मेमोरी, ठीक है ये फॉर्मूला है। ठीक है फॉर्मूला अच्छा यहाँ पे अगेन मैं इसको बी ज़ीरो ज़ीरो और बी फाइव तक ले आया, ठीक है और इसको मैंने सेंटर लाइन कर लिया, ठीक। अच्छा नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं मेरे पास 4 ही हैं, ठीक है तो नंबर ऑफ बाइट तो 4 ही आएंगे, तो इसको मैंने सेम तरह से सेम कलर से शो कर दिया। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है इसको W ही कहूँगा मैं क्योंकि बाइट नंबर चेंज नहीं हो रहा तो ये W से ही डिनोट होगा, ठीक है बाइट नंबर ये रहा बाइट नंबर, ठीक अच्छा जी ये तो अच्छा इसको भी मैं साइज करता हूँ ये। अब क्या होगा अब मेरे पास ब्लॉक नंबर नहीं है लाइन नंबर है, लाइन नंबर कितने 4 हैं, उधर तो ब्लॉक थे ना मेरे पास तो ब्लॉक 16 थे तो 16 के लिए 4 बिट चाहिए थी, यहाँ लाइंस हैं लाइन 4 हैं तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी 2 बिट्स, तो ये रही 2 बिट्स मेरी, तो लाइन के लिए मैं रख लेता हूँ ये वाला कलर ग्रीन कलर, चलो ठीक है ये लाइन है तो इसको मैं कहता हूँ लाइन नंबर, ठीक है लाइन नंबर को डिनोट कर रहा है आपकी बुक में जो लिटरेचर है वो लाइन नंबर को डिनोट करता है आर से, ठीक है आर से डिनोट कर, ठीक है ये हो गया ना। ये बिट्स किस काम की आएंगी इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स सपोज लाइन नंबर ज़ीरो में अगर ब्लॉक ज़ीरो बैठा है तो लाइन नंबर ज़ीरो में कौन कौन सी बाइट बैठी हैं, 0 1 2 3, ठीक है तो अगर देखूँ तो लाइन नंबर ज़ीरो में अगर मैं लाइन ज़ीरो की बात करता हूँ तो लाइन ज़ीरो में ब्लॉक ज़ीरो की बाइट ज़ीरो बैठी है, ठीक है
तो लाइन जीरो ब्लॉक्स बाइट जीरो, ठीक है। अगर जीरो बाइट बैठी हो फोर की तो क्या होगा, और से देख लेते हैं। फोर की जीरो बाइट बैठी हो तो चार बिट सेम है, चार बिट सेम है, ठीक है। गौर से देखते हैं, ये पहली ब्लॉक की बात है, ठीक है। चौथे ब्लॉक में 0 1 0 0 लाइन नंबर 0 ब्लॉक नंबर बाइट नंबर 0, ठीक है। आठवें ब्लॉक की पहली बाइट यानी बाइट नंबर 0 आठवें ब्लॉक की, तो कैसे डिनोट होगी, आठवां ब्लॉक और 0th बाइट, ठीक है। इसी तरीके से 12वें ब्लॉक की 13 ब्लॉक 0th बाइट। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि लाइन नंबर और इनको देखूं, इनको मैं अगर भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक की बात हो रही है? लाइन जीरो है, बाइट जीरो है, लाइन जीरो है, बाइट जीरो है, किस ब्लॉक की? तो ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है इसमें। तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइन के अंदर कैशे के अंदर टैग होता है, मतलब ये जो 2 बिट्स है ना, ये जो B4 B5, ये वाली बिट्स कहलाती हैं टैग बिट्स, ठीक है। ये मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूँ, ये कहलाएंगी टैग बिट्स। और इसको मैं वापस अगर अनहाइड कर दूँ, नो फिल कर देता हूँ, तो अब देखें कि ये जो बिट्स हैं, जब तक ये नहीं होंगी मेरे पास, मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता कि कौन सी ब्लॉक बैठा हुआ है। टैग मुझे बताएगा कि लाइन जीरो में ब्लॉक कौन सा है, ताकि मैं बाइट नंबर को आइडेंटिफाई कर सकूं, ठीक है। क्लियर, दोबारा करता हूँ, ये जो बिट्स हैं ये वाली, ये मेरे पास हैं टैग बिट्स, टी फॉर टैग बिट्स, ठीक है, टैग बिट या टैग नंबर कह लें इसको, टी टैग बिट। अच्छा, टी प्लस आर जो है वो मिलके क्या बनता है, एस, सही है ना। मेन मेमोरी में अगर देखें तो ये एस है पूरा ब्लॉक नंबर, और कैशे मेमोरी में हम डिवाइड करते हैं इस 4 बिट को, 2 बिट लाइन के लिए, 2 बिट टैग के लिए, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे होता है? कैशे मेमोरी में जब आइडेंटिफिकेशन होती है, तो कैशे मेमोरी में सबसे पहले लाइन नंबर देखा जाता है कि किस लाइन में ये है, कहाँ से पता चलता है, इधर से पता चल जाता है इसको लाइन नंबर, ठीक है। कि भाई मेरे पास लाइन कैशे का साइज मुझे पता है 4 लाइन्स हैं उसमें, और मुझे बाइट नंबर 7 लेट सपोज चाहिए, तो बाइट नंबर 7 किस ब्लॉक में होगी, ब्लॉक 1 में होगी। तो फौरन क्या करेगा प्रोसेसर, बाइट 7 के लिए ब्लॉक 1 चाहिए ना इसको, ब्लॉक 1 का मतलब है 0 1, यानी यहाँ पे 0 1 होना चाहिए, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 में जाएगा फौरन, तो इसको एक्सेस करेगा, आर की वैल्यू 1 होगी, 0 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बाइट नंबर 2 चाहिए मेरे पास, ठीक है, बाइट नंबर 2 चाहिए मेरे पास, तो बाइट नंबर 2 लाइन नंबर 0 में, लाइन नंबर 0 ये लाइन नंबर 0, इसने इसको पढ़ा आर को, लाइन नंबर 0 में पहुंच गया। अब ये चेक करेगा कि कौन बैठा हुआ है लाइन 0 में, कौन सा ब्लॉक बैठा है, तो क्या करेगा, ये फॉरन टैग चेक करेगा। अगर टैग 0 0 है, इसका मतलब है ब्लॉक 0 बैठा है। अगर टैग 0 1 है, इसका मतलब है ब्लॉक 4 है। अगर टैग 1 0 है, इसका मतलब ब्लॉक 8 है। अगर टैग 1 1 है, इसका मतलब ब्लॉक 12 है, क्योंकि इनके अलावा और कोई ब्लॉक यहाँ बैठ नहीं सकता, ये फिक्स है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, कि इसने डायरेक्ट मेमोरी मैप कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली मैप कर दिए कि अगर लाइन 0 में कौन कौन बैठ सकता है, फिक्स है, ब्लॉक 0 होगा या ब्लॉक 4 होगा या ब्लॉक 8 होगा या ब्लॉक 12 होगा। इसी तरीके से लाइन 1 फिक्स है, इसी तरीके लाइन 2 फिक्स्ड है, ब्लॉक 2 6 10 और 12 14 के लिए। इसी तरह से लाइन नंबर 3 फिक्स्ड है, ब्लॉक 3 ब्लॉक 7 ब्लॉक 11 और ब्लॉक 15 के लिए। होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और इस तरह से आप
एक्सेस ये समझ रहे हैं कि किस तरह से शेड्यूलिंग हो रही है, किस तरह से ब्लॉक की मैपिंग हो रही है। अब इसका दूसरा सेशन जो होगा वो इस पता इससे होगा रिलेटेड कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या आ रहे हैं। कि हमें ये तो हो गई क्लियर कि किस तरह से मैपिंग हो रही है, डायरेक्ट मैपिंग क्लियर हो गई, लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में डिसएडवांटेज क्या आ रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।